फ्रेंड्स आज हम इस ख़राब 4 वोल्ट लीड एसिड बैटरी को रिपेयर करके आपको दिखाएंगे। तो फ्रेंड्स सबसे पहले मैं इस बैटरी का वोल्टेज चेक करके आपको दिखा देता हूं। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं मैं यहां पर मल्टीमीटर को 20 वोल्ट डीसी में सेट कर लिया हूं और उसके बाद मैं इस मल्टीमीटर की दोनों प्रोब को बैटरी की पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल में लगा रहा हूँ। आप यहाँ पर मल्टीमीटर में देख सकते हो यहाँ पर 0 वोल्टेज दिखाई दे रहा है, यानी कि ये हमारा जो बैटरी है ये पूरी तरीके से ख़राब है, ये डेड बैटरी है। तो फ्रेंड्स आज हम इस बैटरी को रिपेयर करेंगे और इसको रिकवरी करके आपको दिखाएंगे। तो फ्रेंड्स चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है नरोत्तम, टेक्निकल नरोत्तम यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम इस बैटरी के ऊपर एक कैप होता है उसको निकालेंगे। आप यहां पर वीडियो में देख सकते हो मैं जिस तरीके से निकाल रहा हूं, आप इस तरीके से निकाल सकते हो। और उसके बाद इसको हम यहाँ पर साइड में रख देंगे और उसके बाद यहाँ पर दो रबर की कैप होता है उसको भी हम निकालेंगे। तो फ्रेंड्स अब आप यहां पर देख सकते हो मैं इन दोनों कैप को भी निकाल दिया हूं रबर की। और उसके बाद यहां पर दो होल आपको दिखाई दे रहा होगा, यहां पर हम बैटरी की एसिड डालेंगे। तो फ्रेंड्स आप यहां पर देख सकते हो मेरे पास ये 1 लीटर की बैटरी एसिड बोतल है। ये जो बैटरी एसिड है आपको बैटरी रिपेयरिंग शॉप पे मिल जाएगी, जहां पर बड़े बड़े बैटरी रिपेयर होता है आप वहां से जाकर इसको परचेस कर सकते हो। ये हमें 50 से 60 रुपये में मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स इसको डालने के लिए मैं इस इंजेक्शन सीरीज का यूज करूंगा, इसकी मदद से मैं इस बैटरी की एसिड को डालूंगा। तो फ्रेंड्स मैं यहां पर इस इंजेक्शन के अंदर 2 ml की बैटरी एसिड ले लिया हूं। आप यहां पर देख सकते हो इतना सा ही बैटरी एसिड हमारे लिए काफ़ी है इस छोटी सी बैटरी के लिए। तो मैं यहां पर 1-1 ml करके 2 ट्यूब में समान भाव में यहां पर बैटरी एसिड डाल दूँगा। इस होल में 1 ml और अगली वाली होल में 1 ml बैटरी एसिड में डाल दूंगा। आप देख सकते हो मैं डालता हूं यहां पर बैटरी एसिड। तो फ्रेंड्स यहां पर मैं पूरी अच्छी तरीके से फूल करके यहां पर बैटरी एसिड डाल दिया हूं, इसलिए यहां पर थोड़ा बैटरी एसिड बाहर निकल आया है। इसको मैं साफ़ करके आपको दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स अब मैं इस बैटरी को पूरी अच्छी तरीके से साफ़ कर लिया हूँ और उसके बाद मैं इसको दोबारा फिक्स कर लूँगा जैसे इसको निकाला था सब कुछ। तो मैं यहां पर इसको फिक्स करके आपको दिखाता हूं। तो फ्रेंड्स अभी मेरा ये बैटरी रिपेयर हो चुका है, इसके अंदर मैं एसिड डाल दिया हूं और उसके बाद मैं इसको चार्जिंग करके इसका वोल्टेज और एक बार आपको दिखाता हूं। तो फ्रेंड्स यहां पर देख सकते हो ये मेरा चार्जिंग की केबल है, मैं इस चार्जिंग की केबल की वोल्टेज भी आपको दिखा देता हूँ मल्टीमीटर के दौरान। तो आप यहाँ पर देख सकते हो मैं मल्टीमीटर की दोनों प्रोब को यहाँ पर चार्जिंग केबल के साथ लगा रहा हूँ। यहाँ पर ये हमारा 5 वोल्ट आ रहा है और इतना सा ही वोल्ट हमारा काफ़ी है इस बैटरी को चार्जिंग करने के लिए। तो फ्रेंड्स अब मैं इस चार्जिंग की 2 वायर को इस बैटरी के साथ सोल्डरिंग कर देता हूँ, आप यहाँ पर देख सकते हो। तो फ्रेंड्स इस बैटरी को चार्ज होने के लिए मैं यहाँ पर 20 मिनट छोड़ देता हूँ और उसके बाद मैं वीडियो में दिखाता हूँ इसमें कितना वोल्टेज आता है और ये हमारा बैटरी सही होता है या फिर नहीं होता है। तो फ्रेंड्स अभी हमारा ये बैटरी 20 मिनट के लिए चार्ज हो चुका है। अब मैं इसका चार्जिंग वायर को सोल्डरिंग आयरन के दौरान हटा देता हूं और उसके बाद मैं यहां पर मल्टीमीटर से आपको वोल्टेज चेक करके दिखाता हूं। तो फ्रेंड्स ये हमारा मल्टीमीटर है और इसको मैं यहां पर 20 वोल्ट डीसी में सेट कर देता हूँ इस तरीके से। और उसके बाद मैं यहाँ पर इस मल्टीमीटर की दोनों प्रोब को इस बैटरी के साथ कनेक्ट करता हूँ, आप यहाँ पर देख सकते हो। और ये हमारा यहाँ पर 3.64 वोल्टेज दिखा रहा है और ये हमारा 4 वोल्ट की बैटरी है और यहाँ पर ये हमारा 3.64 वोल्टेज दिखा रहा है, यानी कि 4 वोल्ट के आसपास ही दिखा रहा है। फ्रेंड्स मैं इस बैटरी को सिर्फ 20 मिनट के लिए चार्ज किया हूँ इसलिए ये हमारा 3.64 वोल्टेज दिखा रहा है। अगर हम इसको 1 घंटा या फिर आधा घंटा चार्ज करेंगे तो ये हमारा 4 वोल्ट दिखाएगा और ये हमारा बहुत ही अच्छी तरीके से वर्क करेगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए मैं रहता हूँ, जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम।